हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान पुजारी वर्ग और मंदिर न्यास के द्वारा किया जा रहा पूजा पाठ दुर्गा पाठ पूर्ण आहुति के साथ संपूर्ण हो गया। विधि विधान के अनुसार मंत्रों उच्चारण के साथ स्थानीय पुजारी वर्ग ने प्राचीन हवन कुंड में हवन यज्ञ किया। ये हवन यज्ञ इस बार विशेष रूप से कोरोना महामारी के निवारण हेतु किया गया। हालांकि हर वर्ष माता श्री नैना देवी के दरबार में मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के संयुक्त सहयोग से श्रवण अष्टमी मेले के दौरान यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन इस पर विशेष तौर पर ये अनुष्ठान कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु और श्रद्धालु स्वस्थ रहे इसको लेकर ये हवन यज्ञ लगातार 10 दिनों तक चलता रहा और जिसकी पूर्ण आहुति डाली गई। साथ ही स्थानीय पुजारियों ने माता श्री नैना देवी से प्रार्थना की कि मां के सभी श्रद्धालु स्वस्थ रहें, माता रानी उनके रोग कष्ट दूर करें और फिर से मां के दरबार खुलें और ये धार्मिक नगरी ऊंचे जयकारों से फिर से गूंजे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं और श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। श्रावण अष्टमी का अंतिम दिन था और 10 दिनों का यह जो नवरात्रों का जो त्यौहार चलता है, जो कि नैना देवी माता का सबसे बड़ा त्यौहार भी है, आज यहाँ पे संपूर्ण हुआ है। और इसमें जो पुजारी वर्ग थे सभी ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोविड-19 नामक महामारी से दुनिया के बचाव के लिए, लोगों की रक्षा के लिए जो है यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। सभी दर्शकों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक मंदिर खोलने के लिए सरकार द्वारा आदेश ना जारी किए जाएँ तब तक लोग घरों पर बैठ के ही माता की जो है पूजा अर्चना करें और अपने परिवार के कल्याण के लिए यहाँ पे माता से प्रार्थना करें। देखिए, हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी जो श्रावण अष्टमी मेला जो है उसमें विधि विधान से जो है पूरा पूजन वगैरह किया गया और आज जो है अभी थोड़ी देर पहले ही पूर्णाहुति जो है इस यज्ञ की हुई है। इसमें पूरे पुजारी वर्ग जो है वो मंदिर न्यास के साथ पूरे सहयोग करते हुए जो है विधि विधान से, जैसे पूर्व में पूजा अर्चना होती थी उसी तरह से पूजा अर्चना हुई है। माता नैना देवी जी महामाई के आप सभी को कृपा मिलेगी। आप लोग जो है थोड़ा अभी जो है धैर्य रखें, अभी मंदिर जो है खुले नहीं हैं दर्शन के लिए, तो जैसे ही भविष्य में मंदिर खुलेंगे तो मीडिया के माध्यम से और जो टेंपल की वेबसाइट है उसके माध्यम से जो है इसकी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचा दी जाएगी।